अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ मजाहिया पिक्चर आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा मकसद आप लोगों को हंसाना है। किसी भी पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई या दूसरी जमातों की हम कोई भी तोहीन नहीं करे या किसी के ऊपर मजाक नहीं बना रहे। ये जस्ट आप लोगों को हंसाने के लिए कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर की जा रही हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जरदारी सिगरेट पी रहा है, नवाज शरीफ भी बैठा हुआ है और उसके अलावा शेख रशीद भी है, और इस तस्वीर पे लिखा हुआ है चर्सी कदे ना मस्ती। ये एक सिंधी कहावत है। अगली तस्वीर में शेख रशीद हैं और बिलावल भुट्टो हैं। इस पे लिखा हुआ मेरा बिलावल मेरी मर्जी। अगली तस्वीर व्यूअर्स, ये मेरा टाइटल है, कैमरे में रिकॉर्ड पाकिस्तानी सियासतदानों के मजाया लम्हात। इसके अंदर नवाज शरीफ भी आपको पता है, देखें क्या करता हुआ नजर आ रहा है, और बिलावल भुट्टो भी है और मौलाना फजलुर रहमान भी है। अब इस तस्वीर में साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तानी सियासतदान इलेक्शन जीतने के बाद क्या करते हैं। जीतने के बाद आमदन काफी ज्यादा होती है, इलेक्शन का खर्चा काफी कम होता है, और आवाम से किए गए वादे तो किसी को याद नहीं होते। इस तस्वीर में नवाज शरीफ गिरियां बेच रहे हैं। हाशमी साहब, मैं मजारे कायद पहुंच चुका हूं, प्लीज इमरान खान से बात करें। इस तस्वीर में आप तीन नौजवान देख सकते हैं जिनके पेट काफी बाहर हैं, और तस्वीर पे लिखा हुआ है आज का सवाल, इनका पेट आखिर कब तक भरेगा। मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी और नवाज शरीफ। इस तस्वीर को देखते आपको अंदाजा होगा कि कितनी अहमकाना गुफ्तगु हुई है बिलावल भुट्टो की और सिंध की अवाम की। लिखा हुआ बिलो रानी ने सिंध के एक गांव के दौरे में जमा होने वाले अफराद से पूछा, यहां क्या मसाइल हैं। एक सिंधी बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, साईं दो बड़े मसले हैं, गांव में अस्पताल है मगर कोई डॉक्टर नहीं है। बिलो रानी ने जेब से मोबाइल निकाला, बात की और बोला, कल से डॉक्टर बकायदगी से आएगा। दूसरा मसला, बुजुर्ग बोला, साईं दूसरा यहां मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। अब देखो कितना अहमक बंदा है वो, कि उसने जेब से मोबाइल निकाला और डॉक्टर को बुला रहा, और उसकी बात की सच्चाई वहीं वाजह हो गई जब दूसरा मसला उस बुजुर्ग ने बताया। इस तस्वीर में देखें व्यूअर्स, सियासतदान को खुसरा यानी ख्वाजा सरा बनाया गया है, जिसमें नवाज शरीफ, जरदारी, रजा गलानी, बिलावल भुट्टो और दीगर दो शामिल हैं। इस तस्वीर में व्यूअर्स, इमरान खान ने नवाज शरीफ को उठाया हुआ, लिखा हुआ उजमा भाग गई, मजाया फिल्म, और नवाज शरीफ चला के कह रहे हैं होली वे खां। इस तस्वीर में व्यूअर्स, नवाज शरीफ के झूठ के पलंदे, मिस्टर फ्राडिया अभी भी बाज ना आया, इलेक्शन कमीशन को अपनी आमदनी का सिर्फ 1% सच बताया। क्या शरीफ इतने गरीब हैं। दुनिया सुधर गई, मैं नहीं सुधरा। इस तस्वीर में नवाज शरीफ को गंजा किया गया, एक मजाहिया तस्वीर है। जो मजा टेंड बेचे, ना शहर बेचे ना पिंड बेचे। गंजा शेर, यार मैं, मेरा यकीन करो मैं शेर हूं। खाया है पंजाब, खाएंगे पाकिस्तान, ये दोनों भाई हैं, इसको इनको कौन नहीं जानता। नवाज शरीफ और शोहबाज शरीफ, ओ शोहबाज शरीफ। वर्ल्ड बिगेस्ट पॉलिटिशियन, दुनिया का सबसे बड़ा लोटा, नवाज शरीफ की तस्वीर के ऊपर लोटा बनाया गया या लोटे के ऊपर तस्वीर बनाई गई है। 1979 में तहरीक इस्तकलाल में शमूलियत अख्तियार की। 1981 में लोटा बनकर जियाउल हक की काबीना में वजीर खारजा बना। 1985 में फिर लोटा बनकर जुडिशियल लीग में
शामिल हुआ और वजीर आला पंजाब बना। 1988 में फिर लौटा, बनकर आईजीआई में शामिल हुआ और वजीर आला पंजाब बना। 1990 में आईजीआई से इलेक्शन लड़ा और वजीर आजम बना। 1993 में आईजीआई तोड़कर अपनी जाती मुस्लिम लीग बनाई, जिसका नाम अपने नाम की मुनासबत से मुस्लिम लीग नून रखा। 1997 में इस जमात के प्लेटफॉर्म से वजीर आजम बना और भाई वजीर आला पंजाब बना। 1999 में अपनी जमात को बे यारो मदरगाह छोड़कर मुशरफ से माफी मांगी और जद्दा फरार हो गया और आज फिर कौम को बेवकूफ बनाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है। सुल्तान फराउद्दीन करतुगल, आपका ताल्लुक लाहौर के मशहूर खाओ कबीले से है। अब ये तस्वीर देखें, ये भी नवाज शरीफ की है। तवील तहकीक के बाद लंदन के डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेगैरती का कोई इलाज नहीं है। ये तस्वीर देखें, तीन लोग मौजूद हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ और तीसरे का आपको पता है ये कौन है, आप कमेंट्स में बताएं। अब इस तस्वीर में भी नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान है, जो 12 टैनी खेल रहे हैं। व्यूअर्स, हम इस गेम को 12 टैनी कहते थे। जो व्यूअर्स पुराने हैं जिनको इस गेम का पता है वो कमेंट में बताएं, और काफी अच्छी गेम है। अभी तो फिलहाल ये दोनों खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पिक्चर में आपको अंदाजा होगा कि ये पिक्चर क्यों बनाई गई है। एक वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो आज के मौजूदा वजीर आजम है, इन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा। अब आप व्यूअर्स देख सकते हैं, शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटते हुए, जरदारी गाड़ी में बैठे हैं और शहबाज शरीफ पीछे से धक्का लगा रहे हैं। अब ये देखें, ये भी पिक्चर शहबाज शरीफ पे है, जिसमें उन्होंने कहा था मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, शहबाज शरीफ। अब व्यूअर्स ये पिक्चर देखें, ये भी शहबाज शरीफ पे है, जिसमें पुलिस वाले शहबाज शरीफ को मार धाड़ कर कपड़े फाड़े हुए और लेके जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि इनके साथ ऐसा हो, मौजूदा हुकूमत दे, मुझे मौजूदा हालात देख के ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे। अगली भी पिक्चर जो है वो शहबाज शरीफ की है, बैगर्स कांट बी चूजर्स, ये भी शहबाज शरीफ का कहना था। कितने लोग इससे मुतफिक हैं ये भी कमेंट में बताएं। ये भी शहबाज शरीफ पे पिक्चर बनाई गई है, मनी लॉन्ड्रिंग माफिया के ग्रो, शहबाज शरीफ के नौकरों के बैंक अकाउंट में अरबों रुपए मौजूद थे। देखें शहबाज शरीफ अपने मुलाजमीन का कितना ख्याल रखते हैं, शहबाज का मकसूद चपड़ासी। ड्राइंग रूम से चिकन किचन तक अंडर पास होना चाहिए, ये इनकी सोच है शहबाज शरीफ की, क्योंकि इन्होंने पुल वगैरह काफी बनाए हैं। अब व्यूअर्स ये पिक्चर देखें, एक बंदर खड़ा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट, और साथ शहबाज शरीफ की मजाहिया पिक्चर बनाई गई है, ऐनक दोनों ने लगाई है। आप कमेंट में बताएं कि ये सेम लग रहे हैं या डिफरेंस है। अब ये देखें, कुकड़ी, हमजा शहबाज को कुकड़ी के साथ बनाया गया, ये भी हमजा शहबाज की मजाहिया पिक्चर है, जिसमें उनका मुंह खुला का खुला, क्या देख लिया उन्होंने। व्यूअर्स अगली पिक्चर है जरदारी की, जमहूरी मंजन, दांतों को चमकाए अमेरिका को लुभाए, ये भी जरदारी की पिक्चर है व्यूअर्स। और भाई पाकिस्तानियों, मजा आ रहा है और खप्पे, अगर बीवी को छोड़ो तो जिंदा ना छोड़ो, जरदारी का कप्तान को फोन, ये तो पूरी कौम जानती है कि क्या वाकया हुआ था। सियासी साधु बाबा पंडित आसिफ जरदारी के पास हर किस्म का सियासी जोड़ तोड़ करवाएं, तशरीफ लाएं। ये देखें व्यूअर्स, इस पिक्चर में रजा गलानी है और जरदारी है, खतरनाक खेल, बाइक की व्हीलिंग करते हुए।
व्यूअर्स, ये पिक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसके अंदर सरदारी का बाहर चेहरा और अंदर से नवाज शरीफ का चेहरा। इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपए इंक्रीज पर यूनिट। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। व्यूअर्स, ये भी तस्वीर जरदारी से मुंसलिक है, एक बांदर है, ठीक है, उसने भी उसी तरह की कैप पहनी है, जरदारी ने भी उसी तरह की कैप पहनी है। ये भी जरदारी और शहबाज शरीफ की पिक्चर है, जिसमें वो बोतल के कैन रख के आगे बैठे हुए हैं, जिस तरह मजदूर आजकल बैठे होते हैं व्यूअर्स नहर के किनारे। आपकी दुआओं से ऑपरेशन रद्दो बदल कामयाब रहा, इमरान खान की पिक्चर है, पीएम ने आजी। ये इमरान खान की फनी पिक्चर है, जिसमें उनका फेस के स्ट्रक्चर इस तरह के मजाया पिक्चर बनाई गई है और कैमरे की आंख में महफूज हो गई है। अब ये देखें व्यूअर्स, इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ, इमरान खान मुकाबला नवाज शरीफ। व्यूअर्स कमेंट में बताएं कौन जीतेगा। व्यूअर्स, ये इमरान खान की पिक्चर है, जब वो तकरीर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक और अंदाज इमरान खान का। ये भी पिक्चर इमरान खान की है और ये भी पिक्चर इमरान खान की है, जिसमें वो दुआ कर रहे हैं, और मुख्तलिफ पिक्चर एंगल से ली गई इमरान खान की, जो आपको मैं अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूं। तुझे बोला था मेरा अगला वज़ीर आज़म तू ही है बनेगा, भाई को हल्का समझा था तूने, जरदारी नवाज शरीफ को कह रहा है। थोड़ा डर गया था भाई इमरान खान की वजह से, नवाज शरीफ जरदारी को कह रहा है। अब ये देखें व्यूअर्स, एक बच्चे की तरह आर्मी चीफ ने उठाया हुआ नवाज शरीफ को अपनी गोद में। नमूना है आजम, दूसरों से इस तरह मिलें जिस तरह के शायद वो आपसे मांगने आए हों। ये शहबाज शरीफ जो हैं, उनका बयान कि इस तरह मिलो कि वो शायद वो आपसे मांगने आए हों। ये व्यूअर्स बड़ी फनी पिक्चर है, जिसमें इमरान खान जो है वो फोन पे हैं और उनको कॉल की है मरियम नवाज ने। जी तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन लाजमी दबाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।